हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जो है आधार का काम लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जो है वहां पर आधार सुपरवाइजर का या आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लगता है। अब दोस्तों, आधार ऑपरेटर या आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, ऑनलाइन इसके लिए फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपको जो है एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप जो है सेंटर पर आपको एग्जाम देने जाना होता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मशक्कत होती है अगर आप जो है आधार का सर्टिफिकेट लेते हैं तो। और जब आप एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो आपको UIDAI का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, और अगर आप एग्ज़ाम फेल कर जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे ही आधार सुपरवाइजर, आधार ट्रेनर, अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, सारी प्रोसेस आपको इस वाले पोर्टल में देखने के लिए मिल जाएगी। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को उस नए पोर्टल के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप जो है यहाँ से आधार का सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए इसी तरह की डिजिटल इंडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आते रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है इस वाली वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत सरकार की ऑफिशियली वेबसाइट है, आपको किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों, जैसे ही आप इस वाले पोर्टल पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज दिखाई देगा। तो यहीं पर आपको जो है एक ऑप्शन दिखाई देगा, UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली यहां पर अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको यहां पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको यहां रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे, आपको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने UIDAI कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होकर आ जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर आपको जो ये फॉर्म दिखाई दे रहा है, आपको इसको फिल करना होगा। किस तरह से फिल करना है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले आप जो है अपने नेम में सिलेक्ट कर लेंगे मिस्टर या मिसेस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना फुल नेम एंटर कर देना है, यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जो है इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जो है जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, मेल फीमेल। यहाँ पर आपको जो है कैटेगरी सिलेक्शन कर लेना है, जनरल कैटेगरी, OBC, ST, SC, ठीक है ना। जो भी आपका कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जो है एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ से जो है आपको आपका एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है, आपने जहां तक भी एजुकेशन की हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां से जो है पांचवी पास भी जो है इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है एजुकेशन अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका एजुकेशन स्टेटस है उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके लिए आप ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, मार्कशीट आपने जहाँ कहीं भी स्कैन करके रखा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रेसिडेंस एड्रेस का। तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि एड्रेस विलेज प्लस पोस्ट प्लस तहसील, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है अपने एरिया का पोस्टल पिन कोड एंटर कर देना है। यहाँ से आपको जो है स्टेट सिलेक्शन कर लेना है, आप जिस किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर एंटर कर देना है एंड वेरीफाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास चार नंबर पर आ जाता है ऑथराइजेशन लेटर का ऑप्शन, ठीक है ना। अब ऑथराइजेशन लेटर को लेकर काफी सारे लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड टेम्पलेट का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड टेम्पलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। कुछ इस तरह का आपको ऑथराइजेशन लेटर दिखाई देगा, ठीक है ना। अब इसको फिल करने को लेकर काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आपको इसको फिल कैसे करना है सिंपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप जो है अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको जो है रजिस्टर्ड कोड, जिस कोड के लिए आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो कोड आप लिखेंगे, ये वाला जो नीचे का कॉलम है। जैसे कि आप CSC के थ्रू आधार सुपरवाइजर का या आधार ऑपरेटर का
सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपको जो है सीएससी का जो डीएम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, उनके द्वारा इसको जो है रजिस्टर्ड करवा लेना है। यहाँ पर उनके स्टाम्प और सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पर आप अपना एक फोटो लगवाएंगे, उस पर भी यहाँ पर आप क्रॉस स्टाम्प और सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है ना। अब इसको फिल करने के बाद आप इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद आपको वापस आ जाना है इसी वाले पेज पर। यहाँ पर जो स्कैन कॉपी है उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो आप सिंपली अपलोड करने के लिए ब्राउज वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर कहीं भी आपने स्कैन कॉपी रखी है, जैसे कि हमारा ऑथराइजेशन लेटर यहाँ पर रखा हुआ है, हम इसको सिंपली ओपन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो लेटर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, इस वाले रोबोट को भी यहाँ पर जो है चेकमार्क करना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ से सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट आईडी मिल जाता है, एक पासवर्ड मिल जाता है, ठीक है ना। आपको सिंपली ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर केवल हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है। आधार सर्टिफिकेट के लिए हमको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अब दोस्तों वापस से आपको जो है इसी पेज पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर यूजर आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको जो है सबसे पहले अपना पुराना पासवर्ड डालना होगा, जो पासवर्ड आपको मिला गया था, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर आप इंटर न्यू पासवर्ड करेंगे, उसी पासवर्ड को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे एंड रीसेट एंड री लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप रीसेट एंड री लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके सामने जो है डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जैसे कि डैशबोर्ड देख रहे हैं, आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली माय प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माय प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी छूट गई है उसको आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन छूट गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि हमने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक अपना प्रोफाइल फोटो भी अपलोड कर देना है, और आपको यहाँ पर जो है अपना एक अदर नंबर भी इंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, आपकी जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देना है, जो कुछ बची कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल को भी फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जो है कोर्स परफॉर्मेंस, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन एंड सबमिशन कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये सारी चीजें आप जब कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का फॉर्म आ जाएगा। लास्ट में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है टर्म एग्री का एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो है इस तरह का एक मैसेज शो हो जाएगा, थैंक यू फॉर अपलोडिंग सक्सेसफुली, ठीक है ना। आपको सिंपली क्लोज कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यूआईडी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, डैशबोर्ड आपका यहाँ पर है, ट्रेनिंग डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप जो है अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे, आप कौन सी जॉब यहाँ पर करना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जो है इसको भी यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है फीस पे करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको 1598 रुपये, मतलब 1600 रुपये के आसपास यहाँ पर फी देनी होगी। उसके लिए आप जो है इस वाले चेकबॉक्स को चेकमार्क करेंगे। अब दोस्तों ये वाली जो फीस है एकदम फ्रेशियर के लिए है, ठीक है ना। जिन्होंने पहले से यूआईडी पे काम किया हुआ है, जिनके पास पहले से यूआईडी का सर्टिफिकेट है, उनके लिए यहाँ पर जो है ये फीस कम हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्रेशियर है उनको, लेकिन यहाँ पर जो है अपना पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है ना। जो उनके पास पुराना यूआईडी का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा, जो भी है सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है या तो उनका जो है ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पर मात्र 899 रुपये में ये कोर्स करवा दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर ये दोनों चीजें दोनों के लिए अलग अलग है। अगर आप फ्रेशियर हैं तो आपको यहाँ पर 1598 रुपये पे करना होगा, और अगर आप जो है रिफ्रेशियर है, मतलब दोबारा से यूआईडी का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 899 रुपये पे करना होगा। तो आप यहाँ पर सिंपली पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो है यहाँ पर पेमेंट मोड में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि पेमेंट गेटवे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको जल्दी ऐड कर दिया जाएगा। पेमेंट गेटवे इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि दोस्तों ये नया पोर्टल है, यहाँ पर अभी जो है पेमेंट गेटवे को स्टार्ट नहीं किया गया है। दोस्तों जैसे यहाँ पर पेमेंट गेटवे स्टार्ट कर दिया जाता है तो इस पर आपको जो है कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा कि किस तरह से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको जो है किस तरह से अपने टेस्ट क्लियर करना है और किस तरह से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है।
तो दोस्तों इस तरह से यहां से जो है आप आधार सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभी यहां पर जो पेमेंट मोड है उसको एक्टिवेट नहीं किया गया है क्योंकि ये पोर्टल नया नया है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां पर जो पेमेंट गेटवे है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा तो हमारे चैनल पर आपको इसका एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से आपको पेमेंट करना है, किस तरह से आपको एग्जाम फेस करना है और किस तरह से आपको UIDAI का सर्टिफिकेट यहां से डाउनलोड करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।